अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हाफिज हियर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर सीरीज में चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, क्लाइमेट चेंज वाला, एंड लेक्चर नंबर 21 लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके अलावा दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, लेकिन वो मैं नहीं करवा रही, वो हम सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें एक रेड प्लस प्रोग्राम है, क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म है। क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म तो UNFCCC का पार्ट है, वो मैं उसी के साथ करवाऊँगी 7th चैप्टर में, और रेड प्लस जो है वो मैं नहीं पढ़ा रही। अच्छा जी, सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस चैप्टर का अगर मैं एनालिसिस करूँ ना, मैं क्यों नहीं पढ़ा रही, इस चैप्टर का अगर मैं एनालिसिस करूँ चैप्टर नंबर 5th का, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब इसके पीछे इसकी काजेज, ठीक है, और वो फिर एक पूरी डिबेट चलती है, फिर इसके इम्पैक्ट्स, जैसे मैंने इम्पैक्ट्स पढ़ाया आपको ओवरऑल नेचुरल सिस्टम पे, सोसाइटल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, यू नो इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं, और सोसाइटी पे, ह्यूमंस पे, फिर इसका अब हमने पढ़ लेना है सोल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको डाटा के लिए भी बताया कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स करनी है, और जनरल डिबेट्स भी, और अभी वर्ल्ड में जो डिबेट्स चल रही हैं वो सारा मैंने, ये है कम्प्लीट ये चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में जो 3 to 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और उन टॉपिक्स का लिंक बनता है दूसरे चैप्टर्स से। तो जैसे फॉर एग्जांपल CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये UNFCCC का पार्ट है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था बाद में, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का एक मैकेनिज्म है, ये मैं पढ़ाऊंगी 7th चैप्टर में क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो मैं उसके साथ पढ़ा दूंगी। रेड प्लस जो है वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप यूट्यूब से इसका कोई भी लेक्चर या आप ये गूगल से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा रह जाता है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट में आपको कैरिंग कैपेसिटी के साथ पढ़ाऊंगी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कैरिंग कैपेसिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, वहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करते हैं, मैं आपको वहाँ पर पढ़ा दूंगी, ठीक हो गया। तो ये बाकी आपका चैप्टर जो है वो कवर हो गया। अच्छा जी, अब हम इसका देख रहे थे सोल्यूशन, मिटिगेशन और अडेप्टेशन, ये दो इसके सोल्यूशन है, मैं रेज कर दूँ। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, दीज आर टू अप्रोचेज जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उसकी काज को ख़त्म करें, ठीक है, द रीज़न बिहाइंड, रूट काज को ख़त्म करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है क्लाइमेट चेंज, और इसके पीछे हैं रीजन्स क्या हैं, और इसके फिर हमारे ऊपर आ रहे हैं इम्पैक्ट्स। अब मैं चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का यहाँ से हो जाए खात्मा, तो या तो मैं इसके इम्पैक्ट्स को, मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं मैं उनको ख़त्म करूँगी, या फिर मैं इसकी रीजंस को ख़त्म करूँगी, ये दो काम ही करूँगी ना। अगर मैं रीजंस को ख़त्म करूँगी तो वो मिटिगेशन होगा, और अगर मैं इम्पैक्ट्स को कम से कम करूँगी अपने सर्वाइवल के लिए तो वो अडेप्टेशन होगा, ठीक है। अब इसकी रीजंस क्या हैं, हमने पढ़ा इसकी रीजंस हैं डीफॉरेस्टेशन, इसकी रीज़न है फॉसिल फ्यूल, इसकी रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन, इसकी रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, मिथेन का इमिशन, इसकी रीज़न है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसकी रीज़न है व्हीकल्स, यू नो इंडस्ट्रीज, ये सारी इसकी रीजंस हैं। तो मतलब इमिशंस, बेसिकली जो इमिशंस हो रही हैं वो इसकी रीज़न है, हमने इमिशंस को किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है। मैं एक बहुत ब्रॉडर व्यू दे रही हूँ, अब फर्दर इसकी डिटेल पे आप चाहे 4-4 सफ़े लिख लें, ठीक है, ये एक बहुत ब्रॉडर व्यू है जो कि बेसिक फ्रेमवर्क है, ये आपका अगर क्लियर है तो फिर इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। पहला, रिड्यूसिंग इमिशंस, आप इमिशंस को किसी तरह कम कर दें, कम कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप 100% एमिट कर रहे हैं, 100% इमिशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, आप किसी तरह से इसको 70% पर ले जाएं, तो आप इमिशंस कम कर रहे हैं, आप उसकी कास्ट को ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब इमिशंस को कम करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आप लेके आएंगे, जो भी आप मेथड लेके आएंगे, वो मिटिगेशन में आ जाएगा। अब रिड्यूसिंग इमिशंस के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने इमिशन को कम से कम करना है, आप अपना फ्यूल चेंज कर लें, फ्यूल की चॉइस, ठीक है, आप अपने फ्यूल को क्लीन कर लें, कंबस्चन प्रोसेस कंप्लीट कर लें, आप प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लें ताकि वो इमिशंस को एब्जॉर्ब करें ना कि वो एमिट करें, आप अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चले जाएँ, आप अपना बिहेवियरल पैटर्न चेंज कर लें, आपने इमिशंस को रिड्यूस करना है। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड्स और मेथडोलॉजीज हैं जो मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। फिर है अवॉइडिंग इमिशंस, आप इमिशंस को अवॉइड करें, अवॉइड करने का मतलब यह है कि आपने इंडस्ट्री लगाई है, उसकी चिमनी है, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, अब ऐसा इक्विपमेंट लेके आएँ, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे
वो emissions कम हो जाए, emissions को अवॉइड करें, होने ना दे emissions को, फिल्टर्स इस्तेमाल करें गाड़ियों में, scrubbers इस्तेमाल करें, ताकि वो, फॉर example आपका व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल है, वहाँ पे आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें अपने इंजन में, फ्यूल के साथ कैटलिस्ट डाल दें, जब वो बर्निंग होगी तो उससे जो कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स निकलेंगे, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये जो कैटलिस्ट होगा या कन्वर्टर होगा, वो उसको और गैसेस में कन्वर्ट कर देगा, उनके रिएक्शंस करवा देगा, उसको जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर देगा, वाटर में चेंज कर देगा, और फिर जब उनकी एमिशन होगी तो वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होंगी। तो एमिशंस को अवॉइड करें, यानी यहाँ पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करें, आप टेक्नोलॉजी एडवांस करें, एफिशिएंट बर्निंग करें, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करें, तो एमिशंस को अवॉइड कर लें। रिमूविंग एमिशंस, एमिशंस को एनवायरमेंट से किसी तरह से रिमूव कर दें, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन इसलिए कि कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टैंडर्ड गैस रखते हैं, ठीक है, और बाकी गैसेस को हम इसके इक्वलेंट ले आते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट कहता है और कहते हैं। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना एयर से, इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कैप्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप दरख्त लगा लें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहे हैं, ट्रीज उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रीज के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। आप जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन पे चला जाए, मतलब रॉक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर दें। आप ओशियनिक सिक्वेस्ट्रेशन पे चला जाए, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपकी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, एमिशंस हो रही हैं, वहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ेगा, चिमनीज से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कैप्चर करेंगे आप, और पाइपलाइंस के थ्रू आप डेप्थ ऑफ द ओशन या रॉक्स उसको पंप कर देंगे, वहाँ पे आप स्टोर कर देंगे, जहाँ से फिर वो बाहर ट्रैप नहीं हो सकेगी। अब इसके आगे बहुत सारी कंडीशंस हैं, मेथड्स कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब डिटेल की बात है, बट देर आर थ्री मेजर यू नो मेथड्स जिससे आप मिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं। पूरी दुनिया में इन्हीं तीन मेथड्स के थ्रू काम होता है। अब इन तीन मेथड्स के अंदर बेतहाशा मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, आपके वेज हैं, टेक्निक्स हैं, किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज मिटिगेशन। अब अडेप्टेशन की तरफ अगर हम आएँ तो अडेप्टेशन में इंक्रीज द कैपेसिटी टू एडजस्ट द पोटेंशियल डैमेज। आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेना है, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेना है कि हम डैमेज को बियर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर लें। बलोचिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, पंजाब के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, लेकिन पंजाब जो है उन इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर लेता है, क्योंकि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास हॉस्पिटल हैं, अगर लोग बीमार हो जाएंगे हम उन्हें अस्पतालों में ले जाएंगे, हमारे पास शेल्टर अच्छा है, हमारे पास वाटर का सिस्टम अच्छा है, वाटर शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छी है, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे पास ब्रिजेस अच्छे हैं। लेकिन अगर बलोचिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो वहाँ पर रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, फैसिलिटी उनके पास नहीं है, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, जो है वो अवेयरनेस उनको नहीं है, तो वो उस तरह से फाइट नहीं कर पाते इम्पैक्ट का, तो वहाँ पर ज़्यादा माइग्रेशन होगी, ज़्यादा डेथ होगी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिजीजेज ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम उन वहाँ से पॉवर्टी को ख़त्म करें, हम उनको भी एजुकेट करें, हम उनको भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करें, हम उनको भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हम उनको भी रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड करें, ताकि वहाँ की कैपेसिटी बढ़ जाए और वो उस डैमेज को एडजस्ट कर सके, ठीक है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लेके आए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लेके ला सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट चल रहा है प्लास्टिक रोड, जो है वो प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं हम रोड्स बनाने के लिए, आपके ब्रिज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि उनके ऊपर किसी इंटेंस रेनफॉल का, साइक्लोन का, स्टॉर्म का इम्पैक्ट ना आए, आपकी बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पास जो एनर्जी ग्रिड्स हैं वो ग्रीन होने चाहिए। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस ऐसे कर लेनी है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। फिर ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स, अब ड्राउट हो रही है जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी लास्ट सारी हो रही है, तो आप ऐसी क्रॉप्स लेके आए जो टेम्परेचर टॉलरेंट हो, जो ड्राउट टॉलरेंट हो, आपको वीट की ऐसी वैरायटीज बनानी चाहिए, राइस की ऐसी वैरायटीज बनानी चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, होता रहे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, ड्राउट हो रही है, होती रहे, आपकी क्रॉप की वैरायटीज ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर प्लानिंग एंड रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर, आपके पास इतना एडवांस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए कि आपके पास कंप्लीट प्लानिंग भी हो और आप टाइमली उसको रिस्पॉन्ड भी करें। अब जो मरी इवेंट हुआ है, मरी कैलमिटी, यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, हम उसी को ब्लेम करेंगे
क्योंकि ये एक डिजास्टर था जिसको ना तो हम रिस्पॉन्ड कर सके, ना हमारे पास इसके लिए कोई प्लानिंग थी, और ना ही हम जो है वो इसको टैकल कर सके. तो आपके पास स्ट्रॉन्ग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें अर्ली इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, अवेयरनेस टू पीपल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. मरी कैलामिटी पे प्रॉपर मैं लेक्चर देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि पॉसिबल है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए. तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाली हैं. बट आप डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपकी कंट्री में वो स्ट्रांग होना चाहिए. सो इस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा बेतहाशा यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जिसके लिए आप लोगों को सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा. क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है. इंशाल्लाह अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. दिस लेक्चर इज़ जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अबाउट बेसिक आइडिया. फॉर फुल सेशन प्लीज़ कॉन्टेक्ट द नंबर गिवन बिलो.